हे गाइस, दिस इज सपना एंड यू गाइस आर वाचिंग बी ओरिजिनल बी योरसेल्फ, जहां मैं लेकर आती हूं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ फिटनेस. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट अ स्मोकी आई ट्यूटोरियल. यस, ये जो वीडियो है वह रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए जो है मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ. एंड आई शेडोज जो हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से यूज करना जानते हैं तो आप जो है अपने लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं आई शेडोज की हेल्प से. बट ऑट द सेम टाइम अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हो गई सो वो जो है पूरे लुक को डाउन कर देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द आई शेडोज व्हेन यू आर यूजिंग देम. सो विदाउट एनी फर्दर अनडू, लेट्स जंप राइट इनटू द ट्यूटोरियल. तो आज जो है मैं M&M का जो है मेकअप आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. इसमें जो है 48 कलर्स के डिफरेंट शेड्स हैं, 4 ब्लश है और 2 जो है वो पाउडर है. तो सबसे पहले जो है मैं इसमें से पाउडर से जो है अपने फेस को सेट कर लेवानी हूँ. इसके पहले जो है मैंने प्राइमर, आई शेडो प्राइमर जो है वो अप्लाई कर लिया था अपने आईज़ पे. उसके बाद दोनों तरफ जो है मैंने इस तरह से टेपिंग कर दी है ताकि मेरे जो आई शेडो का शेप है वो दोनों तरफ बराबर आए. उसके बाद ट्रांजिशन शेड के लिए जो है मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ. इससे जो है मैं अपनी क्रीज लाइन पे एक अच्छा सा क्रीज ड्रॉ करूँगी. ये मोटा वाला ब्रश जो है आई शेडो ब्रश मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और इससे जो है मैं अच्छी सी क्रीज जो है वो बना लूँगी. आउटर कॉर्नर पे भी जो है मैं अच्छे से जो है अपना ट्रांजिशन शेड को अप्लाई करके बहुत ही बढ़िया से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा मतलब ऑड ना लगे. उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मेक फ्लावर का जो है आईलाइनर, जेल आईलाइनर लिया है और उससे जो है मैं अपने आई शेडो का बेस बनाऊंगी. तो इस तरह से जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, मेक श्योर कि आप एक ही बार बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें, थोड़ा थोड़ा करके आराम से जो है आप इस तरह से एक सेमी सर्कल जो है अपने क्रीज तक बना लें विद द हेल्प ऑफ जेल आईलाइनर. स्लोली स्लोली से अच्छे से ब्लेंड करते हुए जो है आप इस तरह से बनाएं. कोई जल्दबाजी ना करें, आई शेडो में जल्दबाजी जो है वो आपके लुक को खराब कर सकती है. उसके बाद ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ये थोड़ा सा इवन नहीं लग रहा है, इसके लिए इस तरह से जो है मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक इवन सेमी सर्कल जो है इस तरह से बना लूंगी. डोंट वरी, इसके ऊपर जो है हम आई शेडो लगाएंगे तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा. नीचे में भी जो है अपने लोअर वाटर लाइन में भी जो है मैं सेम जेल आईलाइनर से जो है वो काजल लगा लूँगी, बिकॉज नीचे भी जो है मुझे हल्का सा स्मोकी आई दिखाना है. तो उसके लिए मैं नीचे भी जो है अपने फेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ इसी टाइम पे. इनर कॉर्नर में जो एक अच्छा सा शेप देके इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके जो है वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए. दोनों आईज में जो है एक साथ हम चलेंगे. उसके बाद जो है मैं ब्लैक शेडो, ब्लैक वाला जो शेडो है उसकी हेल्प से मैं अच्छे से जो है इस बेस के ऊपर आई शेडो को लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेक श्योर जो क्रीज एरिया है वहाँ पे जो है आप अच्छे से ब्लेंड करें ताकि जो है वो आपके ट्रांजिशन शेड में जो है आपका आई शेडो अच्छे से मिक्स हो जाए और वो थोड़ा सा अलग सा ना लगे, एक जैसा लगे. वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, नीचे जो है थोड़ा सा डार्क लेते हैं और ऊपर जो है उसे अच्छे से क्रीज एरिया में ट्रांजिशन शेड के साथ जो है इस तरह से मिक्स कर लेते हैं. ये प्रोसेस आप 2-3 बार कीजिए. ऊपर जो है क्रीज एरिया में ब्लैक आई शेडो अप्लाई करके उसे ब्लेंड कीजिए. उसके बाद वहाँ पे जो है आप ट्रांजिशन शेड भी अप्लाई कीजिए सेम ब्रश से और उसे दोबारा जो है ब्लेंड कीजिए. उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रीज को अच्छा सा कट देने के लिए जो है मैं एक थोड़ा सा और लाइट ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी. और जहाँ पे दोनों शेड्स मेरे मिक्स हुए हैं, ब्लैक एंड ट्रांजिशन शेड, वहाँ पे मैं उसे क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लूँगी एक पतले ब्रश से और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आई शेडो इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. तो ब्लेंडिंग में जो है आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से ब्लेंड करना है. ये देखिए, ब्लेंड होने के बाद जो है एकदम नीचे डार्क और ऊपर जो है जाते जाते लाइट हो गया है, इतना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है. नीचे में जो है सबसे पहले मैं ब्लैक आई शेडो से जो है इस तरह से अप्लाई करूँगी और उसके बाद उसके नीचे जो है मैं अगेन ट्रांजिशन शेड जो है वो
अप्लाई करूंगी ताकि वो ऊपर और नीचे एक जैसा दिखे। उसके बाद जो है मैं टेप को निकाल दूंगी। ये देखिए साइड से कितना परफेक्ट एंड नाइस नीट लुक जो है वो आया है मेरे आई शेडो का। इसके ऊपर इफ यू वांट आप जो है वो आईलाइनर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो है अपने आईलिड्स में मस्कारा लगा रही हूँ ताकि ये जो है मेरे लुक को और ज्यादा एनहेंस करे। तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपको मस्कारा जब लगाना है तो हल्का सा जो है उसे अपने आईलिड्स के हेयर्स को बेंड कर दीजिए ताकि वो थोड़ा सा कर्ल शेप में आ जाए। नीचे वाले जो है उसमें भी वाटर लाइन पे मैं इस तरह से मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो है मेरे ब्राउज थोड़े से डार्क हैं, हल्का सा कहीं कहीं जो गैप है उसके लिए जो है मैं आईब्रोज फिलर से जो है इस तरह से अपने ब्राउज को हल्का सा फिल कर लेती हूँ ताकि मेरे ब्राउज का एक अच्छा सा शेप आ जाए। जनरली मैं जो है आईब्रोज नहीं बनाती हूँ, उसमें जो है फिल नहीं करती हूँ, बट क्योंकि ये स्मोकी आई लुक था तो बिना आईब्रोज के ये कम्प्लीट नहीं लगता। So I hope you guys like the video. If this is so, please give a big thumbs up to this video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and share this video to all your friends, relatives, everyone. Because festive season आने वाला है ना, दिवाली, छठ, and after that wedding season आने वाला है. So I think कि आइस की जरूरत तो सबको पड़ेगी. And again, बहुत सारे interesting videos जो हैं वो line में लगे हुए हैं. So I'm just planning for them. जल्दी जल्दी जो है मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे videos लेकर आऊंगी. And तब तक के लिए bye guys, love you all.